हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाएंगे साबूदाना कस्टर्ड सेमिया, एंड आप इसे 3-in-1 रेसिपी भी बोल सकते हैं क्योंकि आपको इसमें एक साथ तीनों चीज़ों का टेस्ट आने वाला है। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी को मैंने गरम किया है और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 1 टेबलस्पून काजू एंड 1 टेबलस्पून किशमिश। इसको लो फ्लेम पर हमें रोस्ट करना है गोल्डन एंड क्रंची होने तक। तो अभी देखिए ये गोल्डन एंड क्रंची हो चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 बाउल सेमिया। सेमियों को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी लो फ्लेम पर ही हम रोस्ट करेंगे। तो अभी सेमिया हमारी क्रंची हो गई हैं। अभी टाइम है इसमें मिल्क ऐड करने का। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास दूध लिया हुआ है। दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करते समय बीच में हमें इसको इस तरह चलाते रहना है। तो अभी देखिए सेमियां हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 बाउल साबूदाना। इसको मैंने पहले से ही पानी में सोक कर दिया था। अभी साबूदाने को भी अच्छे से मिक्स करेंगे एंड बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। इसको हमें मैश नहीं करना है। अभी ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून चीनी। आप चीनी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो या कम पसंद हो। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर लेंगे 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड। इसमें हम 5 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे और इसकी एक स्लरी बनाएंगे। कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम ये कस्टर्ड इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करने से इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाएगा और इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 टेबलस्पून हरी इलायची का पाउडर, ग्रीन कार्डमम। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो अभी सेमियां हमारी बनकर रेडी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।